Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. farheen and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know, that we are on unit number two, resources and their types, and today is its seventh lecture. So, my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer the question what is interdependence? हमने लास्ट लेक्चर में इंटरडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है वो हम एक दूसरे पे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए डिपेंड करते हैं और जो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस है ऑन डिफरेंट पीपल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस सो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स स्टार्ट अ लेसन सो माई डियर स्टूडेंट्स आपको एक क्लासरूम नजर आ रहा है इन दिस क्लास देयर आर नाइन स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं नाइन स्टूडेंट्स हैं काउंट दम फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो माई डियर स्टूडेंट्स वॉट इज है टीचर इन द्लास रूम से क्या आपको आज एक ट्रीट चाहिए जेलीज और कैंडीज की वच यू कैन सी ऑन द टेबल सो टीचर के पास कितनी जेलीज और कैंडीज है लेट्स है लुक देर आर फोर कैंडीज एंड फाइव जेलीजी टीचर के पास फोर कैंडीज हैं और फाइव जेलीज है सो so, नेक्स्ट थिंग इज कि टीचर क्लासरूम में जाके बच्चों से पूछती हैं कि डू यू वांट अ ट्रीट एवरीबॉडी सेज यस सो टीचर उनसे क्या कहती हैं वो उनसे कहती हैं कि आपके पास फोर uh, कैंडीज और फाइव जेलीज हैं जल्दी से बताएं कि uh, क्या आपको दोनों चीजें चाहिए जाहिर है सब बच्चे कहेंगे कि मुझे कैंडीज भी चाहिए और जेलीज भी चाहिए लेकिन क्योंकि दे आर नॉट नाइन एंड नाइन रेशो में नहीं है यानी कि दोनों को नाइन नाइन होना चाहिए तभी सबको सब, सब चीजें मिलेंगी सो so, टीचर कहती है कि नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस आपको एक चॉइस करनी है बेशक आपको दोनों चीजें चाहिए लेकिन सेलेक्ट करें फोर स्टूडेंट सेलेक्ट करें कि वो कैंडीज ले लें और फाइव स्टूडेंट सेलेक्ट करें कि वो जेलीज ले लें सो दैट इज हाउ सब बच्चों को जो है वो इक्वली ट्रीट मिल जाएगी सो so, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि बेशक हमें दोनों चीजें चाहिए थी जेलीज भी और कैंडीज भी लेकिन देवर नॉट इनफ वो पूरी क्वांटिटी uh, में नहीं थी सो देन वी मेड अ चॉइस हमने एक चॉइस ली कि या तो हम कैंडी ले सकते हैं या हम जेली ले सकते हैं सो so, जब कोई चीज कम हो जाती है तो हमें तब चॉइस करनी पड़ती है और इसी कमी को हम, कहते हम कहते क्या कहते हैं इसको हम स्केरसिटी कहते हैं क्या कहते हैं स्केयरसिटी और आज हम स्केर के बारे में ही पढ़ेंगे कि जब किसी चीज की तादाद कम हो जाती है तो तब जो है हम उसको स्केय कहते हैं और हमें तब choices के लेनी पड़ती हैं और हम सब कुछ जो है वो नहीं ले सकते क्योंकि चीजें जो है वो लिमिटेड होती हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स आज का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम तो मैंने आपको बता ही दिया डिफाइन स्कैसिटी तो आज हम स्केय के बारे में पढ़ेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिकस्पेक्टिव एंड बी पेशेंट फॉर द सेक ऑफ योर लॉर्ड सो अल्लाह तला ने हमें सबर करने का बताया है और अपने रब की खातिर सबर करते रहो ठीक है बेशक आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी मिलती तादाद में कम हो जाती है तो हमें सबर करना चाहिए क्योंकि इसका जो नमलबल होता है या अल्लाह ताली हमें इन रिटर्न इससे ज़्यादा अच्छी जो है वो चीज़ दे सकते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली लुक एट द प्री रीडिंग क्वेश्चन मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ जिसके बारे में आपको सोचना है यू नीड टू बाय पेंसिल्स आपको पेंसिल्स खरीदनी है फॉर योर होमवर्क एंड यू गो टू अ शॉप देर यू सी योर फेवरेट चॉकलेट ठीक है अब आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट नजर आ गई यू वॉन्ट टू ईट यू हैव मनी ओनली फॉर पेंसिल्स अब आपको पेंसिल्स खरीदनी है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप चॉकलेट भी खरीद लें अपनी फेवरेट इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे हाउ विल यू सिलेक्ट बिटवीन योर नीड एंड योर वॉन्ट ठीक है यू नीड पेंसिल एंड चॉकलेट बोथ सॉरी सॉरी यू want पेंसिल एंड चॉकलेट बोथ बट यू नीड पेंसिल्स राइट नाउ ठीक है आपको दोनों चीजें चाहिए यू वॉन्ट दैम लेकिन अभी आपकी जरूरत क्या है कि आपको सिर्फ पेंसिल चाहिए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो... जल्दी से सोचें मैं तो पेंसिल खरीदू खरीदूंगी क्योंकि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है क्योंकि नेक्स्ट डे टीचर अगर होमवर्क नहीं देखेंगी तो वो नाराज हो जाएंगी सो वी मस्ट कंप्लीट आर होमवर्क सो इस सिचुएशन को व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्केरसिटी आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आप अपनी uh, जो नीड है उसको पूरा करें और हेर यू विल मेक अ चॉइस ऑल्सो ओके माई डियर स्टूडेंट नाव क्विकली ओपन पेज नंबर ट्वेंटी वन इन यूर बुक्सैट वी विल रीड अबाउट स्केरसिटी आई होप एवरीबडी हैज ओपन पेज नंबर ट्वेंटी वन सो माई डियर स्टूडेंट्स है यू कैन सी स्केरसिटी क्विकली पुच ये विल रीड स्कैरसिटी मीन्स द शॉर्टेज ऑफ थिंग्स यानी कि जब कोई चीज कम रह जाती है शॉर्टेज हो जाती है उसको उसकी तो हम उसको स्कैसिटी कहते हैं स्कैसिटी मीन्स द शॉर्टेज ऑफ थिंग्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया टू फिलफिल ह्यूमन नीड्स देयर शुड बी इनफ़ अफ री सोर्सेज और शॉर्टेज अकर वेन एवर द डिमांड ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन द प्रोवाइडेड सप्लाई इन द मार्केट टू अवॉइड स्कैसिटी द गुड्स फ्राम अदर कंट्रीज इन लार्ज नंबर टू फुलफिल पीपल नीड्स माई डियर स्टूडेंट्स स्केसिटी हम कहते हैं जब भी किसी चीज़ की uh, तादाद कम रह जाती है या उसकी शॉर्टेज हो जाती है अब इसके लिए क्या किया जाता है uh, कि दुनिया भर में अगर किसी मुल्क में किसी चीज़ की तादाद कम हो जाए तो उसको किसी दूसरे मुल्क से जहाँ uh, गंदुम है फॉर एग्जाम्पल आपके uh, मुल्क में गंदुम कम रह गई है तो हम हो सकता है कि अपने किसी नेबरिंग कंट्री से जहां ग की तादाद ज्यादा है हम वहां से इंपोर्ट कर लें अपने मुल्क में मंगवा लें और इस तरीके से हम मुल्क के लोगों की जरूरतियात जो है वो उनको पूरा कर सकते हैं सो माई डियर स्टूडेंट इन द नेक्स्ट पिक्चर है यू कैन सी देर देयर आर नो एपल्स इन दिस पिक्चर बट है यू कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एपल्स एंड फ्रूट्स सो दिस पर्सन कैन गिव इट टू हेम क्योंकि यहां स्केर्सिटी है शॉर्टेज है और यहां पे चीजें ज्यादा हैं तो इन दिस कंडीशन आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं लोगों की नीड को पूरा करने के लिए तो स्कर्सिटी कहते हैं जब भी किसी भी चीज की जो है वो तादाद कम रह जाए ओके माय डियर स्टूडेंट नाउ इज द टाइम फॉर योर प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस यू विल बी गिवन अ वर्कशीट इन प्रिंट फॉर्म बाय योर टीचर और यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो

नंबर टू रीड द स्टेटमेंट बिलो सर्कल ट्रू और फॉल्स ठीक है अब आपको एक स्टेटमेंट दी गई है आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है टू अवॉइड स्कैसिटी द गवर्नमेंट इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इन लार्ज नंबर टू फुलफिल नीड पीपल नीड्स सो अगर आ, किसी चीज की तादाद कम हो जाए या उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है वो एक आ, किसी दूसरे मुल्क से जो है वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेती है उनको दरामद कर लेती है आप मुझे बताएं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है

ंग मोर देन इनफ स्कैसिटी का मतलब है चीज का ज्यादा हो जाना रॉन्ग स्कैसिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ थिंग्स अब आप मुझे बताएं कि क्यों अली जो है वो गलत सोच रहा है बिकॉज स्कैसिटी मीन्स वेन देर इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज वैन देर इज नॉट इनफ थिंग्स टू मीट पीपल नीड्स दैट इज कॉल्ड स्कैसिटी दैट इज वाई अली इज रॉन्ग सो राइट द करेक्ट आंसर बिलो अली so uh, fill this worksheet and submit it to your teacher okay my dear students next uh, writing practice is given on page number 26 question number 5 define the term scarcity you already know what is scarcity you will note down this uh, answer in your notebook and then comes your evaluation given on page number 24 what is scarcity when there is a shortage of uh, Supply of anything that is called scarcity. Okay, now is the time to note down your homework given on page number 21. Independent activity number four. Ask students to observe their surroundings and find out the resources uh, which are source, which are scarce in our society. Each group has to find out at least one scarce resource and suggest a possible solution to the problem. सो माय डियर स्टूडेंट्स आपको अपने इर्द गिर्द देखना है और बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो लिमिटेड है या स्कार्स है ठीक है और फिर आपको जो है उसका आपको सोल्यूशन देना है कि कैसे जो है हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आज कल जो मैं वट आई लुक अराउंड माई सेल्फ इज देयर इज स्कैसिटी ऑफ गैस जो आपके स्टोव uh, में आती है नेचुरल गैस उसकी जो है वो स्कैसिटी हुई हुई है तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है हमें चाहिए कि हम इसको लिमिटेड यूज़ करें गीज़र्स हर वक्त ना जलें जब हमें पानी गर्म करना है सिर्फ तब ऑन करें चूल्हे जलते ना छोलें हीटर को हर वक्त ना ऑन करें बिकॉज देयर इज़ लिमिटेड रिसोर्स तो हमें चाहिए कि सबको ये मिल जाए तो हमें इसकी इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज़ द टाइम फॉर रैप अप द शॉर्टेज ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड स्कैसिटी किसी भी चीज़ का कम हो जाना और लोगों को पूरी तरह से ना मिल पाना इज कॉल्ड स्केसिटी आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टर्म बाय नाउ कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़